हेलो फ्रेंड्स, आनंद आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पेपर क्ले बनाना सीखेंगे और इस पेपर क्ले की हेल्प से आप मूर्तियाँ या कोई भी क्राफ्ट बहुत ही इजीली बना सकते हो घर पे। तो सबसे पहले मैंने मेरे पास जितना भी पुराना कार्डबोर्ड था उन सबको एक जगह इकट्ठा किया और उसको छोटा छोटा करके इस टाइप से फाड़ लिया था। देखिए, टुकड़ा कर लिया था कार्डबोर्ड को। आप यहाँ पे न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हो, उसे भी इस तरह छोटा छोटा टुकड़ा कर सकते हो, या जो भी रद्दी कागज़ कॉपी किताब उन सब का यूज कर सकते हो। मैंने देखिए बहुत सारा टुकड़ा टुकड़ा कर लिया है कार्डबोर्ड को और सबको एक बाल्टी में डाल लेंगे कुछ इस प्रकार से, या किसी भी बर्तन में, और उसमें पानी डालकर इसे 3-4 घंटे तक फूलने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, 3 घंटे बाद यह कार्डबोर्ड पूरी तरह फूल चुका है पानी में। अब इसे हम हाथों से और भी छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे कुछ इस प्रकार से, और इसे हम मिक्सी के जार में देखिए इस टाइप से डाल लेंगे। थोड़ा सा ही डालना है और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और इसे मिक्सी में हम पीस लेंगे। हमने कार्डबोर्ड का पेस्ट बना लिया। देखिए, अब हम जार से इसको निकाल लेंगे सारे पेस्ट को, और देखिए इस टाइप से मैंने बहुत सारा पहले से ही बना लिया था। अब इन सबको छानेंगे, तो छानने के लिए देखिए हमने एक छोटा सा बर्तन लिया है और इस बर्तन पे एक कपड़ा लगाएंगे इस टाइप का, या जाली वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हो, और इसी कपड़े के ऊपर हम सारे कार्डबोर्ड के पेस्ट को रख देंगे इस टाइप से। थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब हम कपड़े को ऊपर की तरफ उठा लेंगे चारों कोन को, और नीचे से दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो जितना भी पानी होगा ये सब निकल जाएगा, देखिए एक्स्ट्रा पानी को। और एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा भी पानी इसमें छूटना नहीं चाहिए, सारे पानी को देखिए इस टाइप से निकाल लेना है दबा दबा कर। जब सारा पानी निकल जाए तो उसके बाद हम एक बर्तन लेंगे और इस टाइप से कपड़े में से इसको निकालेंगे क्ले को, और इसके बाद इसको तोड़ लेंगे इस टाइप से देखिए, और छोटा छोटा एकदम टुकड़ा कर लेना है कुछ इस प्रकार से। देखिए, हमने सबको छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया है। अब इसके बाद फेविकोल लेंगे। ये फेविकोल हमने हार्डवेयर के दुकान से मंगाया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो फेविकोल है इसका यूज जब घर पेंट होता है तो कलर में मिक्स किया जाता है ताकि कलर दीवार से छूटे ना, तो मैंने उसी फेविकोल का यूज किया क्योंकि ये थोड़ा पतला होता है। वैसे आपके पास जो भी फेविकोल हो आप उसका यूज कर सकते हो, अगर गाढ़ा फेविकोल हो तो आप उसमें पानी मिक्स करके पतला बना लेना। फेविकोल को एकदम अच्छे से मिलाना है इसमें, देखिए इस टाइप से। हमने यहाँ पे चम्मच का भी यूज किया है ताकि पूरे में एकदम अच्छे से फेविकोल मिक्स हो जाए। जब पूरे में फेविकोल अच्छे से मिल जाए तो सबको एक जगह इकट्ठा करके गोल बॉल जैसा बना लेंगे, और इसी के साथ यह पेपर क्ले बनकर रेडी है। आप हाथ से जितना मिलाओगे उतना ही यह सॉफ्ट बनेगा, और इसकी हेल्प से आप कुछ भी मूर्तियाँ, क्राफ्ट, खिलौना, बर्तन कुछ भी बना सकते हो। बहुत ही ईजी है यह क्ले बनाना। मैंने यहाँ पे इसी क्ले की हेल्प से इस हंस को बनाया है, इसका फुल वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और इस क्ले को आप प्लास्टिक में पैक करके 2-3 महीने तक आसानी से यूज कर सकते हो। आप इसे देखिए इस टाइप से प्लास्टिक में अच्छे से बांध दें ताकि इसमें हवा ना लगे, और इसे आप फ्रिज में रखकर 2-3 महीने तक यूज कर सकते हो। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।